अमृतसर छठ पूजा त्यौहार देशभर बड़ी धूमधाम और श्रद्धा भावना के नाल मनाया जा रहा है। जेकर गल करिए अमृतसर की तो इत्थे भी प्रवासी परिवारों के वालों प्रसिद्ध तीर्थ दुर्गियाणा मंदिर के छठ पूजा का त्यौहार बड़ी श्रद्धा भावना के नाल मनाया जा रहा है। सो इस दे विच महिलावां रह के यह वर्त रखदियां हन। इस वर्त दे विच अपने पति की लंबी उम्र और बच्चों की लंबी उम्र की कामना करदियां हन। छठ पूजा के वर्त से सूरज की उपासना और पूजा की जाती है। सो चौथे दिन सूरज को अर्घ दे के वर्त समाप्त होंदा है। सो यह व्रत बिहार और उत्तर प्रदेश की महिलावां रखदियां हन। छठ पूजा की बहुत महत्व है और जिसने भी रखा है उसने उसको फल मिला है। ये व्रत तो मतलब कि यूपी बिहार का बहुत फेवरेट है और बहुत अच्छा होता है। जिसने भी व्रत रखना है उसका मनोकामना पूरी होती है। हर दिन पानी नहीं पीते हैं, 3 दिन पानी, एक दिन पहले नहाते खाते हैं फिर 3 दिन पानी नहीं पीते। 3 दिन का व्रत होता है, 24 घंटा मतलब 4 दिन का व्रत है समझो। बहुत परेशानी, पानी सबसे बड़ी बात है, पानी नहीं मिलता है। मेरी बहनों का बहुत मतलब पानी के लिए वो होता है, लेकिन माता रानी छठ मैया जो हैं इन्होंने बहुत मनोकामना पूरी करती हैं हर लोगों की। और इनका राम जी ने भी रखा था, सीता जी ने भी रखा था, कुंती ने भी रखा था, कर्ण ने रखा था, तो जो अदिति देव है वो कबज जो है इन्होंने दिया था। सूरज देव जो कबज पहनते हैं ना, पहला व्रत उन्होंने रखा था तो उनको कबज दिया था। तो मनोकामना मतलब सबका पूरा होता है। हम सबको बधाई देती हूँ अपने यूपी बिहार वाले बहनों का और भाइयों को कि छठ पूजा की सफाई रखें और कोई कंप्लेन ना आए। हमारे सबसे महत्वपूर्ण पूजा है, ये सबसे भारी पूजा हमारे यूपी बिहार के यही है। बहुत भारी, ऐसे रतन जतन लगा के हम लोग के पूजा करते हैं। जितना मर्जी फल फ्रूट दो कोई इनके कम बेसी नहीं होती है। अब फूलों पान लगे होते हैं और जैसे मर्जी फ्रूट दो, जो मर्जी करो, नया कपड़े लेते यही सब होते हैं, यही बनाते हैं हम लोग। बहुत अच्छा है हम लोग का ये पूजा, सबसे भारी।